अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स, हाय, वेलकम। मेरा नाम है जिशान अरशद और आप देख रहे हैं द इमेजिनरी शो। क्या ही है इमेजिनरी शो? दुनिया के अंदर बहुत सारे मजाहब हैं और उन मजाहब के अंदर बहुत सारे मजहबी पेशवा और मजहबी पैरोकार हैं जिनका ये दावा है कि इस कायनात को, इन बादलों को, ज़मीन आसमान को, चरिंद परिंद दरिंद को और इंसानों को और बहुत सारी मखलूकात को बनाने वाला खुदा वो है जिसकी वो पूजा करते हैं। इसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू में, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, बुद्धिस्ट भी और दीगर बहुत सारे मजाहब के लोग हैं। हर किसी के पास अपने दावे हैं, हर किसी के पास अपनी किताबें हैं, हर किसी के पास अपने बहुत सारी ऐसी बातें, ख्यालात और किस्से, कहानी है जिसको वो दलील बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बतौर सबूत पेश करने की कोशिश करते हैं इस बात पर कि जिस खुदा की पूजा वो कर रहे हैं वो इस कायनात का असली खुदा है। इस हवाले से मुसलमानों का एक मौकफ है, जो दुनिया भर के मुसलमान ये कहते हैं कि इस कायनात का खुदा सिर्फ अल्लाह है और उनके मुकाबले पर दुनिया के जितने भी मजाहिब हैं और उनके अंदर जो पैरोकार हैं वो जिन माबूदों की पूजा पाठ करते हैं और पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं वो असल में मसनूई खुदाओं की पूजा करते हैं। क्या ऐसा है या नहीं? क्या मुसलमान वाकई में सच पर हैं या नहीं? क्या मुसलमान जिस अल्लाह के हवाले से बात करते हैं क्या वो उस अल्लाह को बगैर किताब के साबित कर सकते हैं या नहीं? अगर मुसलमानों से बहस की जाए तो वो कहते हैं कि उनकी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन क्या कोई मुसलमान ऐसा है दुनिया में जो बगैर किताबों के, बगैर रेफरेंसेस को इस्तेमाल किए अल्लाह को इस कायनात का खुदा साबित कर सके, अल्लाह का इस नेचर पे कंट्रोल साबित कर सके? इसीलिए ये शो है। इस शो के अंदर मैं बतौर इमेजिनरी नॉन मुस्लिम एक किरदार अदा करूंगा जिसमें मेरा मुकाबला होगा मुख्तलिफ मुसलमानों के साथ, जहां पर जब भी मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि उनसे एक इमेजिनरी नॉन मुस्लिम के तौर पर, चाहे मैं कभी हिंदू के तौर पर किरदार अदा करूं, चाहे मैं क्रिश्चियन के तौर पर किरदार अदा करूं, चाहे मैं यहूदी के तौर पर किरदार अदा करूं, चाहे मैं बुद्धिस्ट के तौर पर किरदार अदा करूं या चाहे मैं एथिस्ट के तौर पर किरदार अदा करूं, उस किरदारों के अंदर मेरे मुख्तलिफ रूप नजर आएंगे, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि पता लगाना कि क्या कहता है इस्लाम का एक मुसलमान इस हवाले से जब आ जाती है बात उसके खुदा के नाम और कलाम पर। यानी कि कलाम बाद में देखा जाएगा, पहले उस खुदा के वजूद को देखा जाएगा जिसका दावेदार है मुसलमान। तो चलिए मेरे साथ इस शो में और देखिए कि क्या होता है एक मुसलमान के साथ जब आ जाता है उनके सामने एक इमेजिनरी नॉन मुस्लिम, और उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आप क्या कहते हैं।